Morning, everyone. Continuing with our next point, foreign shareholding. जो foreign shareholding हो सकती है payment banks की, वो होगी as per the foreign direct investment policy जो private sector banks के ऊपर apply होती है और जो amend हुई है from time to time. As per the current FDI policy जो aggregate foreign investment private sector bank में सभी sources से हो सकती है, वो allowed है up to a maximum of 74% of the paid up capital of the bank. Automatic route से up to 49% and approval route beyond 49% to 74%. At all times जो 26% है paid up capital, वो held कौन करेगा? इंडियन रेजिडेंट्स करेंगे. देन बिजनेस प्लान्स जो एप्लीकेंट्स हैं फॉर द पेमेंट बैंक्स लाइसेंस, उन्हें फर्निश करना होगा अपना बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ. जो बिजनेस प्लान है वो क्लियर होना चाहिए कि बैंक कैसे प्रपोज कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं सेटिंग अप पेमेंट बैंक करने के, उसे किस तरीके से वो प्रपोज कर रहा है अचीव करने के लिए. जो बिजनेस प्लान है वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं उसे, रिलेटिंग टू बिजनेस मॉडल जो भी वो प्रपोज कर रहा है यूज़ करने के लिए, बैंक का एक्सेस पॉइंट्स जो होंगे रूरल सेमी अर्बन एरियाज में, कंट्रोल कैसे करेगा वो बीसीस को, कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ अगर कोई है, एसेक्टा जैसी चीज़ों को. तो जो बिजनेस प्लान सबमिट करेगा एप्लीकेंट वो रियलिस्टिक एंड वाइबल होना चाहिए. इसके अलावा अदर कंडीशंस जहाँ पे जो पेमेंट बैंक है वो ऑपरेट करेगा रिमोट एरियाज में, मोस्टली बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, एटीएम्स एंड अदर नेटवर्क्स के थ्रू. जो पेमेंट बैंक्स है उसे एटलीस्ट 25% फिजिकल एक्सेस पॉइंट्स उसे रखने हैं, ऑफिस ब्रांचेस जो रखनी है वो रूरल सेंटर्स में रखनी है. जो ऑपरेशंस है पेमेंट बैंक्स के वो फुली नेटवर्कड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने चाहिए स्टार्टिंग में, और कन्फर्मिंग टू दी जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स होने चाहिए. जो बैंक्स हैं उन्होंने कस्टमर ग्रीवियंसेस सेल उनका होना चाहिए टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स. जो कंप्लायंस है टर्म्स एंड कंडीशंस की जो लेट डाउन की है आरबीआई ने, वो एसेंशियल कंडीशन है अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए, और अगर वो नॉन कंप्लायंस करते हैं तो पिनल मेजर्स हैं, पेनल्टीज हैं जिसमें कैंसिलेशन भी हो सकता है लाइसेंस का पेमेंट बैंक का. देन बेनिफिट्स क्या है पेमेंट बैंक के? सबसे पहला वाइड नेटवर्क्स, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक्स हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेक्टर जो है वो अपने रिटेल आउटलेट्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ बैंकिंग पॉइंट्स. देन लो कॉस्ट पेमेंट बैंक्स, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिटेल आउटलेट्स को ही आप यूज़ कर सकते हैं एज अ एक्सेस पॉइंट. देन कन्वीनियंस है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट करने में, रिटेल स्टोर्स के थ्रू जो आपकी नॉर्मल किराने की शॉप्स होती हैं उसके थ्रू जो है आप बैंकिंग की सर्विसेज कर सकते हैं, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट में भी देखते होंगे जो एयरटेल की एड आती है. देन सेफ्टी है, जो आपका लिमिट है मैक्सिमम बैलेंस का 1 लाख रुपीज़ है, और जो पेमेंट बैंक्स हैं उन्हें गवर्न आरबीआई कर रही है, तो पब्लिक मनी जो है वो सेफ है. लिक्विडिटी है, जो पेमेंट जो फंड्स है पेमेंट बैंक्स के, 75% जो इन्वेस्टमेंट है पेमेंट बैंक्स की वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स में होती है, जिसे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में. देन नो रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि ये लेंडिंग एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो बैड डेब्ट्स का इन्हें रिस्क नहीं है. देन ऑफर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो पेमेंट बैंक्स हैं क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी लो है तो ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट्स के ऊपर ऑफर करते हैं. देन लिमिटेशंस क्या है पेमेंट बैंक्स की? नो लेंडिंग फैसिलिटी. बैंक्स के लिए मेन जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो लेंडिंग एक्टिविटी होता है, लेकिन जो पेमेंट बैंक्स हैं वो लेंडिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं. देन लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो लोग हैं इंडिया में उनका कॉन्फिडेंस जो है पेमेंट बैंक्स में वो लेस है, वो इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि जो फंड्स जो वो पेमेंट बैंक्स के पास रखवा रहे हैं पेमेंट बैंक का कंसेप्ट जो है उनके लिए न्यू है. देन लेस अवेयरनेस, जो कंसेप्ट है पेमेंट बैंक्स का वो अभी स्टिल अपनी इन्फेंसी स्टेज में है, और जो लोग रह रहे हैं रिमोट एरियाज में उन्हें इस बैंक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है. देन लिमिट ऑन डिपॉजिट्स, जो पेमेंट बैंक्स हैं वो ऑथराइज नहीं है डिपॉजिट 1 लाख से ज़्यादा का एक्सेप्ट
करने के लिए. तो ये था हमारा कंसेप्ट पेमेंट बैंक्स का. नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. जो इंटरनेट बैंकिंग है उसी को आप ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग कहते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो एनेबल करता है कस्टमर्स जो हैं एक बैंक के या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेबसाइट. तो जो अंडरटेकिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको करनी है, मतलब जो बैंक आप फैसिलिटी दे रहा है अंडरटेक करने की बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट, तो उसी को हम ई बैंकिंग कहते हैं. इसमें नेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कोर बैंकिंग इंक्लूड होती है. इंटरनेट यूज़ करके जो ई बैंकिंग है उसने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हर जगह से किसी भी टाइम पे जो है ऑपरेट करना पॉसिबल बनाया है. थ्रू ई बैंकिंग जो कस्टमर है वो चेक कर सकता है अपने अकाउंट का बैलेंस, डाउनलोड कर सकता है अकाउंट स्टेटमेंट को, बिल पे कर सकता है, रिचार्ज कर सकता है मोबाइल को, डीटीएच कनेक्शन को, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र कर सकता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट कर सकता है एक्सेट्रा, जैसे और भी बहुत सारे फंक्शंस वो कर सकता है. ई बैंकिंग इनेबल करती है आप फास्ट एंड ईजी ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स को थ्रू NEFT, RTGS, ECS, और ये इनेबल करता है कि आप यूज़ कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATMs एक्सेट्रा को. तो जो मेन ई बैंकिंग सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है डेबिट कार्ड. डेबिट कार्ड अलाउ करता है कस्टमर्स को कि वो एक्सेस कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम. जो कार्ड है आप उसे यूज़ कर सकते हो पैसे निकलवाने के लिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन से, एटीएम से, प्रोवाइडेड कि जो आपका कार्ड होल्डर है उसके अकाउंट में रिक्वायर्ड बैलेंस हो. जो कस्टमर है वो एटीएम को स्वाइप करवा सकते, एटीएम कार्ड जो आपका है, डेबिट कार्ड जो आपका है उसे आप स्वाइप करवा सकते हो परचेज करने के लिए. आप ऑनलाइन परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो यूटिलिटी बिल्स एसेट्रा जैसे यूटिलिटीज़ की. जो पेमेंट ट्रांजैक्शन आप करते हो डेबिट कार्ड से वो कंप्लीट तब होती है जब जो रिक्वायर्ड बैलेंस अवेलेबल है बैंक में कार्ड होल्डर के. देन नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड एक टाइप का ओवरड्राफ्ट या लोन फैसिलिटी होती है कार्ड होल्डर के लिए. जो क्रेडिट कार्ड है वो कस्टमर को अनेबल करता है कि वो गुड्स को और सर्विसेज को परचेज कर सकता है प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर अंदर ऑथराइज्ड रिटेल और सर्विस आउटलेट से. लेकिन जो कार्ड होल्डर है क्रेडिट कार्ड का, उसे थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट उसे वापस अपने बैंक अकाउंट में जमा करवानी होती है. तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो हैं उन्हें प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है. देन ATMs, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट है. आप इन मशीन्स के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो और 24/7 आपको अवेलेबल है. देन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, इसे नेशन वाइड सिस्टम है जो फैसिलिटेट करता है इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को, कंपनीज को कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स एक बैंक अकाउंट से किसी भी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी के किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में कंट्री के. तो जो NEFT ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैचेस में सेटल होती है. मतलब जैसे सपोज बैच है 8 ट्रांजेक्शन का, तो 8 जब आपके पास रिक्वायरेशंस आएंगी NEFT के लिए तब वो प्रोसेस होगी. तो जो सेटलमेंट, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी बैच बन सकते हैं. तो जो सेटलमेंट है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है. फॉर एग्जांपल जो RBI नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग NEFT की जो सेटलमेंट है वो 8 बजे से 7 बजे तक होती है ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑफ वीक. देन इन केस जो फंड्स हैं आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं एक ही बैंक के, तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है जो आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है. अगर इंडिविजुअल्स के पास बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी वो कैश डिपॉजिट करके NEFT अनेबल्ड ब्रांचेस में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं फंड्स को ट्रांसफ़र करने की थ्रू यूजिंग NEFT. अगर आप कैश रेमिटेंसेस के थ्रू NEFT करवाना है आपने कैश रेमिटेंसेस के थ्रू, तो उसका जो लिमिट है वो है 50,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन.
तो जो NEFT है ओरिजिनेटर्स एमिटर रेमिटर्स को फैसिलिटेट करती है कि वो इनिशिएट कर सकते हैं फंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी। देन नेक्स्ट इज रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट RTGS, ये भी फंड ट्रांसफर सिस्टम है जहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फंड्स एक बैंक से दूसरे बैंक में ऑन अ रियल टाइम एंड क्रॉस बेसिस। सेटलमेंट में रियल टाइम का मतलब है कि आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। NEFT में वेटिंग पीरियड होता है, RTGS में वेटिंग पीरियड नहीं होता है, इमीडिएटली आपके जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसीलिए इसे रियल टाइम कहा जाता है। और जो ग्रॉस है, ग्रॉस का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन है वो 1-to-1 बेसिस पे होती है, मतलब सिंगल सिंगल जो ट्रांजैक्शन है उसे प्रोसेस किया जाता है, बैचेस में प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है बैंकिंग चैनल में। तो जो RTGS सर्विसेज है कस्टमर को अवेलेबल है फ्रॉम 8 AM टू 6 PM ऑन अ वर्किंग डे, और ऑल जो ब्रांचेज हैं बैंक की इंडिया में वो RTGS अनेबल्ड नहीं है। सिर्फ जो कोर बैंकिंग सिस्टम अनेबल्ड CVS अनेबल्ड बैंक ब्रांचेज हैं वही ये फैसिलिटी जो है एक्सटेंड कर सकती हैं। जो मिनिमम लिमिट है RTGS की पर ट्रांजेक्शन दैट इज 2 लाख रुपीज, अपर लिमिट कोई नहीं है RTGS के लिए, और ये प्राइमरीली यूज होती है लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए। डिफरेंस क्या है बिटवीन RTGS एंड NEFT? जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज कि जो RTGS ट्रांजेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली प्रोसेस होती है, जबकि जो NEFT है वो सेटल बैचेस में होती है। और जो डिफरेंस आता है दैट इज मिनिमम ट्रांजेक्शन की वैल्यू है RTGS में 2 लाख रुपीज़, जबकि कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है NEFT के केस में। मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो ये एक्सटेंशन है नेट बैंकिंग का। मोबाइल बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं जैसे स्मार्टफोन इंटरनेट जो हैं उसे आप यूज़ कर सकते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। मोबाइल बैंक्स का मोबाइल फ़ोन्स का क्योंकि पेनिट्रेशन ज़्यादा है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पेनिट्रेशन ऑफ कंप्यूटर, तो जो मोबाइल बैंकिंग है उसने ई बैंकिंग को मासिस तक पहुँचाया है। नेक्स्ट इज टेली बैंकिंग। इस फैसिलिटी के अंदर जो कस्टमर है वो अपने बैलेंस की इंफॉर्मेशन जो बैंक अकाउंट में है वो ले सकता है लेटेस्ट ट्रांजेक्शन की ऑन टेलीफोन बाय डायलिंग जो भी आपका प्रिस्क्राइब टेली बैंकिंग का फ़ोन नंबर है, और ये फैसिलिटी अवेलेबल है अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट आता है कोर बैंकिंग। बैंकिंग में इजीनेस लाने के लिए RBI ने इंट्रोड्यूस किया कोर बैंकिंग को इंडिया में। इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर है बैंक का उसे कस्टमर ऑफ अ ब्रांच से आप शिफ्ट कर रहे हो कस्टमर ऑफ द बैंक में। इसका मतलब कि सिंपल सा इतना मतलब कि जो एक पर्सन है उसने अगर एक बैंक की ब्रांच में वो कहीं पे भी है उसने वहाँ पे अकाउंट खुलवाया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स उसकी उसी ब्रांच में होंगी। वो एक किसी भी ब्रांच में अकाउंट खुलवा के बैंक में वो ऑल ओवर द इंडिया उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो उसे कस्टमर ऑफ अ ब्रांच ना रहकर वो कस्टमर ऑफ द बैंक हो गया है, और इसी को हम CBS जो है वो फैसिलिटी कहते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसे हैं हम कहते हैं। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECS अल्टरनेटिव मेथड है पेमेंट करने का, जहाँ पे आपको एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स में और मल्टीपल अकाउंट से एक अकाउंट में जो है ट्रांजेक्शन करनी है, जैसे टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, कार्ड पेमेंट, लोन पेमेंट एक्सेट्रा जैसी जो चीज़ें हैं, या फिर आपने कलेक्ट करनी है, रिसीव करनी है पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने, कॉरपोरेशन, कंपनीज, बैंक्स ने, तो वहाँ पे आप ECS को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या हैं ई बैंकिंग के, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।